गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और यह है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग वेट ट्रेनिंग प्रोग्रेशन। व्हाट इज वेट ट्रेनिंग प्रोग्रेशन, इसी को हम लोग समझेंगे। कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हो अपनी वेट ट्रेनिंग में, व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा वेदर यू आर प्रोग्रेसिंग और यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जुड़े रहिए, वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। राइट नाउ वी आर वेटिंग फॉर मोर पीपल टू जॉइन द क्लास एंड वंस वी हैव गुड नंबर ऑफ पीपल विद अस वी विल एंड द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड स्टार्ट विद द टॉपिक। So those who have joined in already can comment and let me know if you are able to see me and hear me. Comment करके बताइएगा, just drop in a comment, just drop in a hi, hello. गिरजेश प्रताप जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी योर नेम ऑन द स्क्रीन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सो बाकी लोग जो देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट ड्रॉप कीजिए और ये बताइए कि ऑडियो और वीडियो वर्क कर रहा है प्रॉपरली। इज द ऑडियो एंड वीडियो वर्किंग फाइन एट योर एंड? शीना के, हेलो शीना के, गुड मॉर्निंग, how are you doing today? Girijesh says, Girijesh Pratap Singh, I'm new in your class. So first of all, welcome to my class, Girijesh ji. मेरा नाम तुफैल है, मैं आपका रूकी कोच हूँ। आई एम योर फिटनेस एक्सपर्ट, जहां पे हमारी क्लासेस में हम फिटनेस के टॉक्स करते हैं, वर्कआउट्स को समझते हैं, न्यूट्रिशनल टॉक्स करते हैं, सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेस के बारे में, स्लीप के बारे में। यही नहीं, हम वर्कआउट्स करते भी हैं, यानी कि प्रैक्टिकल सेशंस भी होते हैं हमारी, प्रैक्टिकल क्लासेस। दो क्लासेस होती है मेरी, सुबह में 10:30 बजे जो क्लास अभी आप देख रहे हो और शाम में 6 बजे। सो शाम में जो 6 बजे वाली क्लास होती है वो प्रैक्टिकल क्लास होती है, जहां पे मैं वर्कआउट्स करके आपको दिखाता हूँ और आप लोग मेरे साथ कर सकते हो। अगर उस वक्त नहीं कर सकते तो वो आप बाद में देख सकते हो उसको और उसको बाद में परफॉर्म कर सकते हो, राइट? सो ये होती है हमारी क्लास में एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू वेरी ऑफन इन माय क्लास एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग। गिरजेश जी, वेरी गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड शीना जी, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो गाइज, आई होप यू ऑल स्लेप्ट वेल लास्ट नाइट। कितने घंटे आप लोग सोए, हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्लीप डिड यू गेट एंड व्हाट एंड हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ इट, ये बताइएगा। All fine, video, audio both. Thank you for the confirmation, Girijesh ji. Thank you so much. Sagar bhai, hello, good morning. Okay, sorry for the interruption, guys. Yeah, sorry for the interruption. I hope we are back live. क्या आप लोग देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? Can you please give a thumbs up to acknowledge? बीच में थोड़ा सा interruption हो गया था। श्री पवन, very good morning. How are you today? श्री पवन, सागर, गिरजेश, शीना जी, क्या आप लोग confirm कर सकते हो कि अभी video proper चल रहा है? I could see बीच में थोड़ा interrupt हो गया था। So give me a thumbs up and acknowledge, and also the hearts are not increasing, so I hope it's working fine. I am also a gym lover. Arre wah, very good. So we have a mutual love interest for gym and workouts. Video is clear. Thank you for the confirmation, Sri Bhavan. हाँ, अभी सही चल रहा है. Awesome, awesome. Go ahead, perfect.
So, chalo, now let us end the intro and start with the class. But before we start, I would want to know from you guys ki aap logo ko kya lagta hai ki what is weight training progression, right? Girjesh ji ko weight training pasand hai, Sri Pavan ji weight training karte hain, Sheena ji ne bataya tha ki wo bhi weight training karte hain. To aap log bataiye ki aapke hisab se weight training progression kya hota hai? What according to you is a weight training progression? You may be right, you may be wrong, no problem. Just try, give it a try. क्या लगता है आपको, क्या progression होता है? Comment करके बताइए. तब तक मैं intro part end करता हूँ. So that next time when you watch the class again, you don't have to wait much. You can quickly skip the intro part and start with the actual content of the class. तो चलो intro part करते हैं. End. So once again, welcome to Goki Play. मैं हूँ आपका Goki coach Tufail और ये है मेरी class जिसका नाम है Get Fit With. So today we are talking about weight training progression. But before we understand what is weight training progression, we need to first know कि weight training क्या होती है. जिन लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को एक basic background मैं आपको दे दूं. Right? Meanwhile मैंने कुछ लोगों को पूछा था आप लोगों को कि क्या होता है progression. तो आप लोग comment करके बताइए कि क्या आपके हिसाब से weight training progression होता है. फिर हम लोग उसको और elaborate करके समझेंगे. साथ ही साथ हार्ट प्रेस करते रहिए. 379 हार्ट्स आकर रुक गए हैं. इट इज नॉट इंक्रीजिंग. सो आप लोग हार्ट प्रेस करते करते सुनिएगा. ठीक है. सो चलो लेट्स बिगिन. व्हाट डू यू मीन बाय वेट ट्रेनिंग? वेट ट्रेनिंग दो टाइप की होती है. एक होती है एक्सटर्नल वेट और एक होता है इंटरनल वेट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? एक्सटर्नल वेट, बाहर से आप किसी चीज को उठा रहे हो. ठीक है. विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बॉडी. It could be a water bottle, it could be a box, it could be a stone, it could be a dumbbell, it could be a barbell, it could be a machine, it could be a resistance band, anything. ये आपके body का हिस्सा नहीं है, ये एक external weight है. ठीक है. जहां पे आप उस particular weight को उठा के repetitions करते हो. सिर्फ एक बार उठा के रख दिया तो वो एक repetition हुआ. ऐसे आप 10, 12, 15 repetitions करते हो. राइट. डम्बल उठा के आप 10 बार करते हो, 12 बार, 15 बार करते हो. चेस्ट के लिए करते हो, लेग्स के लिए करते हो, हर एक मसल्स के लिए करते हो. तो ये जो आप एक्सटर्नल वेट उठा रहे हो डंबल्स के फॉर्म में, बार्बल्स के फॉर्म में, मशीन्स के फॉर्म में, रेजिस्टेंस बैंड के फॉर्म में, वाटर बॉटल के फॉर्म में, कुछ भी, वो आपका एक्सटर्नल वेट ट्रेनिंग है. विच इज वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर जिम्स में. इसीलिए लोग जाते हैं. जो जिम में नहीं जाते हैं, कुछ लोगों के घर में डंबल्स होते हैं तो वो उससे भी करते हैं. रेजिस्टेंस बैंड होता है तो उससे करते हो. सो दैट इज वेट ट्रेनिंग. दूसरी टाइप की वेट ट्रेनिंग होती है, वो होती है बॉडी वेट ट्रेनिंग. जहां पे आप कोई बाहर से कोई ऑब्जेक्ट या बाहर से कोई टूल या इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहे हो, बट आपकी खुद का बॉडी वेट आप यूज कर रहे हो. जैसे कि आप अगर स्क्वाट्स कर रहे हो तो आपने कोई बाहर से वेट नहीं उठाया हुआ है. डंबल्स, बार्बल्स, स्टोन्स कुछ नहीं है आपके पास. आप खुद अपने बॉडी की वेट से नीचे जा रहे हो और अपने बॉडी वेट को पुश करते हुए ऊपर आ रहे हो. पुशअप्स अगर आप कर रहे हो विद योर ओन बॉडी वेट तो वो भी वेट ट्रेनिंग है. बिकॉज आपकी बॉडी का वेट 50 केजी है, 60 केजी है, 70 केजी, जितना भी आपका वेट है, आप उस वेट को पुश कर रहे हो अवे फ्रॉम द फ्लो. राइट. तो आप अपने मसल्स को एक्टिवेट करते हुए अपने बॉडी के वेट को मूव कर रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेट ट्रेनिंग. वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये तीनों वर्ड का मतलब सेम होता है. अगर आप कहीं भी सुनो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग तो आप सोचते मत पड़ जाइए कि अच्छा रेजिस्टेंस बैंड जो होती है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप सुनो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग अलग है क्या. नहीं, इट इज द सेम. ठीक है. इट इज द सेम. उसका नाम खाली अलग अलग है. क्योंकि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि आप अपने मसल्स को रेजिस्टेंस दे रहे हो, जिस रेजिस्टेंस को वो फाइट कर रहा है. जैसे कि आप अगर डंबल्स उठा रहे हो, ठीक है, तो डंबल्स आपके मसल्स को रेजिस्टेंस दे रहा है, नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, बट आप उसको फाइट करते हुए ऊपर लेकर आ रहे. राइट. डंबल इज पुलिंग यू डाउन बट आप उसको फाइट करते हुए ऊपर लेकर आ रहे, है ना. वैसे आप बॉडी वेट पुशअप आप कर रहे हो तो आपकी बॉडी नीचे की तरफ है, रेजिस्टेंस दे रही है आपको, बट आप उसको फाइट करते हुए ऊपर की तरफ ढकेल रहे हो, है ना. वैसे ही जितना भी एक्सरसाइजेस आप करते हो आपको मसल्स को रेजिस्टेंस देती है, उस रेजिस्टेंस को फाइट करते हुए आप उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, इसलिए उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उसको बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज जब आप वो रेजिस्टेंस फाइट करते हो तो आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो इसलिए उसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोला जाता है. सो व्हेनेवर यू हियर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, ये तीनों का मतलब सेम होता है. इतना बेसिक बैकग्राउंड अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है गाइस, तो आप लोग मुझे एक थम्स अप दे दीजिएगा. लेट मी नो दैट यू अंडरस्टूड सो फार सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द क्लास. Thank you.
So waiting for the thumbs up guys. And please ask more and more questions. जब भी आप लोग सवाल पूछते हो तो बहुत मजा आता है, feels good, बहुत ही interactive लगती है class. और बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन जो हमको, मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, उनमें से श्री पवन हमारे साथ है, गिरजे जी आप नए हो आप भी क्वेश्चन पूछेगा, फिर शीना जी भी हमारे साथ है, सागर भाई है, राइट. तो आप लोग भी सवाल पूछते रहिए. एंड श्री पवन से वेट ट्रेनिंग प्रोग्रेशन इज लाइक यू ऑलरेडी डन दैट द रीजन ऑफ योर बॉडी फॉर एक्सरसाइज एंड गेटिंग यूज टू द सेम वेट एंड प्रोग्रेशन इज लाइक इंक्रीज, परफेक्ट फैंटास्टिक. डॉक्टर अनिता भट्टाचार्य गुड मॉर्निंग डॉक्टर हाउ आर यू. Girjesh, she says deadlift. Yes, deadlift is also a weight training exercise. Okay, Sri Pavan ji ne thumbs up diya hai. Superb. So ask questions and press the hearts. 443 hearts aake ruk gaye hain. We need to reach 5k hearts by the end of the class. So, आप लोग hearts press करते रहिए. There's no limitation कि press n number of times, जितनी बार चाहिए उतनी बार press कर सकते हो. So, let's hit more and more hearts. It's an indication that you're enjoying the class. वो button, वो tab आपको इसलिए दिया गया है. Not because कि उससे कुछ होता है या something like that, but it's the indication whether you're enjoying the class or not. So, अगर आप enjoy कर रहे हो, समझ में आ रहा है आपको, तो hearts press करते करते सुनिएगा. Right? Okay, so now quickly first understand the benefits of weight training and then we'll directly move on to the weight training progression. So weight training kya hai wo to samajh gaya, ab kyu karna hai, especially women ko kyu karna hai, females ko kyu karna hai, ispe main bahut zyada emphasis deta hu, bahut zyada main isko emphasize karna chahta hu, bahut zyada ispe dhyan dena chahta hu, because bahut sare misconceptions and myths hain, right. तो वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं. ये बेनिफिट्स जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ये मेल्स के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी है. सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आप अपने बॉडी को कम्प्लीटली रिस्ट्रक्चर कर सकते हो. कम्प्लीटली रिस्ट्रक्चर मतलब कि आपके बोन्स जो रहते हैं, बोन का जो स्ट्रक्चर, आपकी एनाटॉमी है जो बोन की, वो सेम रहेगी, बट उसके ऊपर का जो मास होता है वो आप कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो. अगर आपको पतला बनना है तो आपको पतला बन सकते हो, आपको ह्यूज बनना है तो आप ह्यूज बन सकते हो, आपको कर्व्स चाहिए आपको कर्व्स आएंगे, फ्लैट स्टमक चाहिए वो आएगा, आब्स चाहिए वो, कम्प्लीट रिस्ट्रक्चर, कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. सिर्फ वो हड्डियां जो बनी हुई है, जो हमारा फ्रेम है, वो सेम रहेगा, ठीक है. इट्स जस्ट लाइक एक पेंटिंग आपको रफ बना हुआ है स्ट्रक्चर उसका, उसके अंदर आप जैसा पेंट चाहो वैसा कर सकते हो, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, जो चाहे वैसा कर सकते हो. ब्लैंक पेंटिंग आपको दी गई, खाली ड्रॉइंग बना के, वैसा आपका स्ट्रक्चर सेम रहेगा. स्ट्रक्चर से मेरा मतलब बोन स्ट्रक्चर. बाकी आप अपने बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. मसल बनाना है पॉसिबल है विथ वेट ट्रेनिंग, फैट लॉस करना है पॉसिबल विथ वेट ट्रेनिंग, एब्स बनाना है पॉसिबल, कर्व्स चाहिए पॉसिबल, लव हैंडल्स यूज करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ वेट ट्रेनिंग. चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो विथ वेट ट्रेनिंग. बाकी एक्सरसाइजेस जैसे कि रनिंग हो गया या फिर योगा हो गया, दोस आर वेरी वेरी गुड, बट बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेट ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा. बिकॉज वेट ट्रेनिंग करने से आप अपने रनिंग में आपकी लोअर बॉडी ज्यादा यूज होती है, योगा में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड्योरेंस यूज होती है. दोस आर नॉट बैड, वेरी वेरी गुड फॉर गेटिंग दोज बेनिफिट्स, ठीक है. सर्दी की दवा खाओगे तो सर्दी कम होगी, पैर दर्द की दवा खाओगे तो पैर दर्द कम होगा. यू कैन नॉट ईट सरदर्द की दवा फॉर योर पैर का दर्द, राइट. जिस चीज की दवा है वो उसी चीज का इलाज करेगी, है ना. वैसे ही वेट ट्रेनिंग आपके बॉडी टोनिंग, बॉडी स्कल्पिंग एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेस्ट होती है. तो वो आप करोगे तो यू विल गेट द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ योर वेट ट्रेनिंग एंड यू कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म एंड रीस्ट्रक्चर योर मसल्स एंड योर फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं. एवरीथिंग यू कैन डू, योर फर्स्ट बेनिफिट है वेट ट्रेनिंग का. नेक्स्ट, आपके बॉडी का हार्मोनल बैलेंस होता है. फीमेल्स में बहुत इश्यू होते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पीसीओजी पीसीओएस एंड ऑल दैट. मेल्स में ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से चेस्ट में फैट जम जाता है, बैक में हो जाता है, सॉफ्ट निप्पल्स हो जाते हैं, राइट, पफी निप्पल्स वो भी होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ मोर ईस्ट्रोजन. वेट गेन बहुत होने लगता है, फैट बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन. मसल लॉस होने लगता है बिकॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन. तो हार्मोनल बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए भी. जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो आपके बॉडी का हार्मोन्स बैलेंस होता है, सेकेंड बेनिफिट. थर्ड बेनिफिट यह है कि आपकी बोन की और आपकी ज्वाइंट की हेल्थ बढ़ती है. जब आप वेट उठाते हो, रेजिस्टेंस फाइट करते हो, नॉट ओनली योर मसल्स आर गेटिंग वर्क अपॉन बट ऑल्सो योर ज्वाइंट्स एंड योर बोन्स. तो ओवरऑल बोन डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज होती है, ओवरऑल ज्वाइंट हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होती है विद द हेल्प ऑफ वेट ट्रेनिंग.
फोर्थ मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ता है जिससे कि व्हाटएवर यू ईट वो फैट में जमा नहीं होता है, वो बर्न ऑफ होता है और जो एक्स्ट्रा स्टोरेज ऑफ फैट ऑलरेडी है बॉडी में वो भी बर्न ऑफ हो जाएगा, वो भी आपका फैट कम करने में हेल्प आपको करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। इट गिव्स यू एन एंटी एजिंग इफेक्ट। फिफ्थ बेनिफिट इसका ये है कि 30 या 35 के बाद हमारा डीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। तो उस एजिंग प्रोसेस को उसमें क्या होता है, स्किन की क्वालिटी थोड़ी सी ये होने लगती है, थोड़ी सी नाजुक होने लगती है, ग्रे हेयर या फिर ऐसा मसल मास कम होना, स्ट्रेंथ कम होना, ये सारी चीजें होने लगती है। वेट ट्रेनिंग करने से ये जो एजिंग प्रोसेस होता है, डीजनरेशन प्रोसेस होता है, इसको आप रिवर्स कर सकते हो, इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो, यानी कि आप अपनी एंटी एजिंग इफेक्ट आपको मिल रहा है, ये भी बेनिफिट आपको मिलता है वेट ट्रेनिंग से। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट है, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, अगर वही बात करेंगे तो उसी में टॉपिक का टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। सो इतने बेनिफिट्स आई एम श्योर आप लोगों को समझ गए हैं, इफ यस गिव मी अ थम्स अप। सो लेट नाउ विल मूव ऑन टू द प्रोग्रेशन, वेट ट्रेनिंग क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स है ये समझ गए हैं। हाँ, फीमेल्स का मुझे पॉइंट कवर करना था गाइस, फीमेल्स को भी, जो फीमेल्स यहाँ पे देख रहे हैं, डॉक्टर अर्चना है, शीना है, सॉरी डॉक्टर अनीता, सॉरी डॉक्टर अनीता है, शीना है, और भी अगर जो लोग आई एम श्योर देख रहे हैं, 500 पीपल लाइव है, तो बहुत सारी फीमेल्स भी होंगे यहाँ पे, तो उनको ये बात समझना है कि वेट ट्रेनिंग इज फॉर यू, इट इज फॉर द मेल्स एंड इट इज ऑल्सो फॉर यू। ऐसे नहीं है कि वेट्स लिफ्ट करना सिर्फ मेल्स का काम है। व्हाई? बॉडी जो बनी हुई है हमारी, ओके, वो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, एक्सेप्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, आपकी बॉडी का फंक्शन सेम होता है। जैसे बाइसेप्स का काम होता है हाथ फोल्ड करना, मेल का भी वही है, फीमेल का भी वही है। लेग से आप चलते हो, फीमेल का भी वही है, मेल्स का। ऐसा नहीं कि फीमेल्स को चलने के लिए कुछ टायर लगे हुए पैर पे उनको चलना, ऐसा नहीं है, राइट? द सेम हार्ड वर्क, सेम एफर्ट्स यू हैव टू मेक टू वॉक, टू स्टैंड, टू मूव, राइट? अगर आपको एक डोर पुल करना है तो जितनी स्ट्रेंथ एक मेल को लगती है खींचने में, उतनी स्ट्रेंथ एक फीमेल को भी लगती है। दरवाजा जो डोर होता है वो ये नहीं बोलेगा कि अरे ये मेल है तो मैं इसके सामने स्टिफ हो जाता हूँ, टाइट हो जाऊंगा, ये फीमेल है तो मैं सॉफ्ट हो जाऊंगा, इजीली खुल जाऊंगा, इट विल नॉट हैपन, राइट? जितनी स्ट्रेंथ लगती है उतनी आपको भी लगेगी। इंडिपेंडेंस, अगर कुछ बॉक्स उठा के रखना है शेल्फ में तो आपको किसी मेल को, मेल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। इफ दे आर डूइंग इट विद गुड जेस्ट, वेरी गुड, बट डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए कि वो है तो ही हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी स्ट्रेंथ लगती है उतनी आपको भी लगेगी। सो यू शुड डू वेट ट्रेनिंग, यू शुड डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ताकि आपकी भी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ तो आपके पास रहे। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मेल्स में जितनी स्ट्रेंथ होती है उतनी आपको बनाना है, वो पॉसिबल नहीं है। इन सम केसेस इट इज पॉसिबल, बट जेनेटिकली या फिर बायोलॉजिकली इट इज नॉट सो पॉसिबल, बिकॉज मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, उनकी बॉडी में मसल मास ज्यादा होता है नेचुरली। फीमेल की बॉडी, इसीलिए उनकी बॉडी हार्ड, रफ एंड टफ होती है। फीमेल की बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट होती है बिकॉज उनमें कम टेस्टोस्टेरोन रहता है, बहुत हार्ड और थिक नहीं रहती है, वो अच्छी भी नहीं लगेगी फीमेल के लिए। लिटिल बिट सॉफ्ट, थोड़ा सा नाजुक पना होना भी चाहिए, वो बहुत अच्छा लगता है, राइट? तो बट दैट डजंट मीन कि यू शुड बी वीक और यू शुड नॉट हैव अ स्ट्रेंथ, राइट? आप में उतनी स्ट्रेंथ, उतनी इंडिपेंडेंसी होना ही चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है या फिर किसी चीज को पुल करना है, पुश करना है या सेल्फ डिफेंस ही करना है, तो उतनी ताकत आपके पास होनी चाहिए, वो वेट ट्रेनिंग सबको मिलेगी। ये पॉइंटर मुझे कवर करना था। सो गिव मी अ थम्स अप इफ यू अंडरस्टूड सो फार, नाउ विल मूव ऑन टू द प्रोग्रेशन पार्ट ऑफ द टॉपिक। थम्स अप दे दो, एक्नॉलेज कर दो। गिरजेश प्रताप सिंह जी से एक परफेक्ट ट्रेनिंग स्केड्यूल चाहता हूँ, हाउ यू कैन हेल्प मी? आई कैन हेल्प यू बाय डायरेक्टिंग यू टुवर्ड्स माय वीडियो, प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने किया हुआ, जस्ट क्लिक ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रॉल अप, आपको वीडियो दिख जाएगा। वो वीडियो में क्या बताया है मैंने वो वीडियो में ये बताया हुआ है कि आपको किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका ट्रेनिंग प्लान कैसा होना चाहिए, या मुझे ट्रेनिंग प्लान बना कर दो, या मेरा ट्रेनिंग प्लान क्या होना चाहिए। यू कैन मेक योर ओन ट्रेनिंग प्लान, ठीक है? आप खुद अपना ट्रेनिंग प्लान बना सकते हो। उसके लिए कौन कौन सी चीजें की जरूरत होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी अवेलेबिलिटी, कि आपको पता है कि आप हफ्ते में कितनी बार वर्कआउट कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं हफ्ते में 6 बार वर्कआउट करो, लेकिन आप सिर्फ 4 ही बार कर पाओगे, क्योंकि 3 दिन आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, आपकी ट्रैवलिंग रहती है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो वो क्लैश हो जाएगा, राइट? वो सिंक नहीं हो रहा है। पहली चीज आपकी अवेलेबिलिटी, यू नो बेटर कि आप हाउ मेनी टाइम्स इन अ वीक यू अवेलेबल,
उसके अलावा विच टाइम ऑफ द डे यू विल बी वर्किंग ऑन, उसके अलावा यू शुड कवर योर स्ट्रेंथ, योर एंड्योरेंस एंड योर फ्लेक्सिबिलिटी. ये तीन पैरामीटर आपके कवर. अगर आप तीन बार वर्कआउट कर सकते हो तो एक एक बार आप तीनों को ध्यान दे सकते हो. तो उसमें मैंने पूरा डिटेल में इलाबरेट करके बताया हुआ कि किस तरह से आप अपना खुद का वर्कआउट रूटीन बना सकते हो. सो आई वुड एनकरेज यू टू गो एंड वॉच दैट वीडियो सो दैट आप उसको देख के सीखो और खुद अपना ट्रेनिंग प्लान बनाओ. और जब आप मेरी शाम की क्लास में आओगे 6 बजे तो मुझे बताइए कि इज योर ट्रेनिंग प्लान रेडी और नॉट. ठीक है, enjoying your class. Thank you so much, Girjayashi. I appreciate 80 hearts in one time. अरे वाह, very nice. So hearts रुकने नहीं चाहिए, press करते रहिए. 1360 हो गए अभी hearts. Sri Pavan, thumbs up. Dominic, hi Dominic, how are you? Good morning. Sheena ji ने appreciate किया है, awesome. Okay, now let us move on to the weight training. क्या है? वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट्स क्या है, फीमेल को क्यों वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, ये हमने अब तक डिस्कस किया. अब द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस टॉपिक ऑफ दिस क्लास इज व्हाट इज द प्रोग्रेशन. क्या आप एक ही चीज हमेशा करते रहोगे तो उससे आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, या फिर आपको कुछ चेंजेस करते रहना है, प्रोग्रेशन करते रहना है, इसको हम लोग अभी समझेंगे. राइट, सो हमारा ब्रेन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, या फिर बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है, या फिर बहुत ही पावरफुल हिस्सा है हमारी बॉडी का. इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है बॉडी का सर्वाइवल. हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है इसका सर्वाइवल उसका मेन टास्क होता है कि सर्वाइव रख सके, बॉडी को सेफ रख सके, प्रोटेक्टेड रख सके, और जितना हो सके उतना कम. जैसे यू हैव अ अकाउंटेंट, ठीक है, जो आपके फाइनेंसिस का ध्यान देता है, तो जितना कम आप एक्सपेंसेस कर सको या फिर टैक्स का सेविंग कैसे हो सकता है, वो सारी चीजों का ख्याल रखता है ना. या घर को ही चला रहा है तो घर में किसने कम से कम एक्सपेंस में घर चल सके, कितना ऑप्टिमाइजेशन हो सके. या इफ यू हैव योर अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन योर ऑफिस तो उनका काम ये होता है कि कितने कम एक्सपेंसेस में लाइट बिल कैसे सेव हो सकता है, या फिर जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं वो कैसे मिनिमाइज हो सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैसे. ये हर एक का गोल होता है, बिकॉज नो वन वॉन्ट्स टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी, है ना. इफ यू यूजिंग ओके यू डूइंग इट फॉर सम नेसेसिटी और समथिंग, नो वन वुड माइंड. बट अगर 10 रुपए की जो चीज है वो 8 रुपए में अगर हो रही है तो एनीवन वुड वांट टू डू दैट, है ना. तो 2 रुपए जो बच रहे हैं वो आगे चल के ही काम आएंगे. डैट डजंट मीन कि कंजूसी हो रही है, इट मीन्स कि जो एक्स्ट्रा स्पेंड हो रहा है, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज हो रहा है, जैसे कि खाना कभी कभार होता है कि शादियों में या फिर व्हाटएवर अगर कोई पार्टी है तो बहुत सारा खाना बच जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या कोई कोई फेंक देता है, तो वो नहीं होना चाहिए. तो अगर प्रॉपर कैलकुलेटिव वे में अगर होगा वो तो वेस्टेज से बचना है बेसिकली, ठीक है. वैसे ही ब्रेन का काम ये होता है कि जो आपकी एनर्जी स्पेंडिंग होती है उसको वो ऑप्टिमाइज कर सके. अगर किसी चीज में 1000 कैलोरीज बर्न हो रही है तो आपका ब्रेन चाहेगा कि वो 500 या 600 में ही हो जाए. जैसे कि आप बार्गेन शॉपिंग करने जाते हो, आप बार्गेन करते हो, राइट. आपको शॉपकीपर बोलता है 1000 रुपए, आप बोलते हैं अरे 700 में दे दो या 800 में दे दो. यू ट्राई टू मिनिमाइज इट. क्या कर रहे हो आप कंजूसी कर रहे हो? नो, आप ऑप्टिमाइजिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो रेट्स आपको थोड़े से ज्यादा ही बताते हैं. उसका एक्चुअल जो दाम होता है उसका वो डबल या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा बताते हैं ताकि दे नो कि जो कस्टमर है वो थोड़ा कम करके ही लेगा. नेगोशिएशन होगा, बार्गेनिंग होगा, तो जब आप वो करते हो तो वो भी अपना लॉस नहीं करते और आप भी प्रॉफिट. बहुत आर इन द विन विन सिचुएशन कि उनको 700 की चीज 800 में बिक गई और आपने जो 1000 सुना था आपने वो आपने 800 में ले लिया, तो आप भी खुश हो कि 1000 वाली चीज 800 में लिया, वो भी खुश है कि 700 वाली चीज मैंने 800 में लिया, तो दोनों ही खुश है, राइट. तो यहाँ पे आप कंजूसी नहीं कर रहे थे, यहाँ पे आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे, अपने 200 रुपए एक्स्ट्रा सेव करने की कोशिश कर रहे थे, राइट. वैसे ही आपका ब्रेन का काम होता है कि किसी चीज में अगर 1000 कैलोरीज बर्न हो रही है तो ब्रेन चाहेगा कि ये काम 1000 कैलोरीज में क्यों हो रहा है, इसको 800 में मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इसको मैं 700 में कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं. दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ योर ब्रेन इज, दिस इज वन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ योर ब्रेन. तो इससे क्या होता है, जब आप कोई चीज नई सीखते हो, ठीक है, नया आप कोई चीज सीख रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है, बिकॉज आपका फोकस उतना ज्यादा रहता है उसमें, अटेंशन इतना ज्यादा रहता है, डिफिकल्टी थोड़ा होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है. जस्ट लाइक ड्राइविंग, नया आप ड्राइव करना सीखते हो तो आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हो, गियर्स आप देख देख के डालते हो, स्पीड पे बराबर ध्यान रखते हो, साइड मिरर्स में आप बार बार देखते हो उसका जजमेंट, उसकी स्पीड, बहुत कॉन्शियस और बहुत फोकस रहते हो. वही अगर आप रेगुलर करने लग जाओ ड्राइविंग, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने से आप कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो आप इतना ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते, इतना डर डर के नहीं देखते हो, गियर को देख देख के आप स्मूथली करते हो. कोई कोई लोग तो फोन पे बात कर करके ड्राइव करते हैं, विच इज नॉट गुड, आई एम नॉट एनकरेजिंग, बट जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल कि होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज उस चीज की प्रैक्टिस हो गई है, उनके ब्रेन ने उस चीज को अडाप्ट कर लिया,
ब्रेन हैज अडैप्टेड टू ड्राइविंग, तो अभी कम एनर्जी स्पेंड करते हुए वो ड्राइव कर रहे हैं, तो इसलिए जो एनर्जी बच रही है उससे वो बाजू में देख के बात कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं या बहुत रिलैक्स है, गाना सुन रहे हैं, राइट। तो ये होता है। वैसे ही जब आप वेट ट्रेनिंग आप करते हो, स्टार्टिंग में नया नया रहता है, थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, थोड़ा ज्यादा एनर्जी स्पेंड होती है, बट जैसे ही आप रेगुलर बेसिस पे इसको करने लगते हो तो आपकी बॉडी उस चीज से यूज्ड हो जाती है, आपका ब्रेन उस चीज पे अडैप्ट कर लेता है। नाउ द ब्रेन नोज कि कितने मसल फाइबर्स एक्टिवेट करने हैं डंबल उठाने के लिए, कितने एक्टिवेट करने हैं चेस्ट के लिए, कितने एक्टिवेट करने हैं लेग्स के लिए, वो पता होता है। सो ऑप्टिमाइज करता है, दैट मींस आपकी बॉडी लेस कैलोरीज बर्न कर रही है। स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट मिल रहे थे, बट आप वही चीज अभी कर रहे हो, बट कैलोरीज उतनी बर्न नहीं हो रही, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो चुकी है, आपकी बॉडी उस चीज से यूज्ड हो चुकी है। सो यू नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट नाउ जितना आपको स्टार्टिंग में मिला था। अब रिजल्ट नहीं मिलता फिर आप डिसहार्डन हो जाते हैं, या पहले कम हो गया, फिर 3 किलो कम हो गया, रुक गया, अभी हो ही नहीं रहा है, मसल्स थोड़े से बड़े, अब बढ़ ही नहीं रहे वैसे के वैसे, राइट। थोड़ा सा डिसहार्डनिंग हो जाता है ये, बट दैट कुड बी सिंपली बिकॉज कि आप सेम इंटेंसिटी और सेम चीज से उस चीज को किए जा रहे हो। इट्स टाइम फॉर यू टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, इट्स टाइम फॉर यू टू प्रोग्रेस, ओके, बढ़ाओ उसको। अगर आपको मैं बोलूं 5 किलो चढ़ो, बहुत थक जाओगे, रोज आपको बोलो 5 फ्लोर चढ़ो, कम थकोगे। आपको 1 महीने तक का 2 महीने तक का कंटिन्यू चल रहे हो तो 5 फ्लोर आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, इट वुड बी वेरी इजी। आपकी ना थकान हो रही है ज्यादा, आपको ना ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, आपकी ना ब्रीदिंग हैवी हो रही है, ना दिल की धड़कन ज्यादा बढ़ रही है, बिकॉज यू गेटिंग यूज टू दैट, ठीक है, यू गेटिंग इम्यून टू दैट, यू गेटिंग अडॉप्टेड टू दैट, यू गेटिंग स्ट्रॉन्गर देन दैट। अब मैं आपको नेक्स्ट डे बोलूं कि आप 5 फ्लोर में कुछ नहीं हो रहा, एक काम कर 7 फ्लोर चढ़ो, तो वो जो 5 तक का आप चढ़ पाए, जो 6ठा और 7वां एक्स्ट्रा आप जो चढ़ रहे हो उसमें आपका बैंड बच जाएगा, उसमें आपको थोड़ा हेवी लगेगा और थोड़ा चैलेंजिंग लगेगा, राइट। तो क्यों किया आपने, क्योंकि 5 फ्लोर तक बॉडी इम्यून हो गई थी, एक्स्ट्रा पुश आपने दिया, एक्स्ट्रा प्रोग्रेशन आपने दिया, जिससे कि आपकी बॉडी को रेस्पॉन्स करना पड़ा, थोड़ा सा चैलेंजिंग लगा, क्लियर है। इसी तरह जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो, सेम चीज अगर आप ओवर एंड ओवर करोगे तो आपकी बॉडी जो है उस चीज से यूज हो जाएगी, इम्यून हो जाएगी, एंड नाउ व्हेन यू इंक्रीज योर वेट्स, आपके बॉडी का वेट की बात नहीं कर रहा हूं, जो वेट आप उठा रहे हो वो वेट अगर आप जो इंक्रीज करते हो, तो इट्स एन एक्स्ट्रा पुश फॉर योर बॉडी। आप हमेशा 10 किलो उठाते हो, बॉडी को पता है कि हाँ 10 किलो उठने वाला है, ब्रेन को पता है कि 10 किलो उठने वाला है, बट आज आपने 12 किलो उठा लिया, तो वो जो 2 किलो एक्स्ट्रा आपने उठाया है, दैट वॉज अ चैलेंज फॉर योर बॉडी, ठीक है। दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ वेट और इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ रेपिटेशन। आपको पता है, बॉडी को पता है कि आप 10 किलो उठा के 5 रेपिटेशन करोगे, ठीक है, हर बार यही होता है, बॉडी को पता है, बट आज आपने 10 किलो उठाया और आप 5 की जगह 8 रेपिटेशन किया आपने, तो जो 3 एक्स्ट्रा रेपिटेशन किया आपने, दैट वॉज ए चैलेंज फॉर योर बॉडी, दैट वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी, राइट। तब जाके बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करती है, तब जाके आपकी बॉडी को चैलेंज फील होता है और आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। सो वॉट यू नीड टू डू, ईदर इंक्रीज द रेपिटेशन और इंक्रीज द वेट्स दैट यू लिफ्ट। आपकी बॉडी का वेट बढ़ाने नहीं बोल रहा हूँ, जो वेट आप उठाते हो डंबल बारबेल मशीन का वो बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। 5 किलो उठाते हो तो 10 किलो उठाओ, 10 उठाते हो तो 12 उठाओ, बढ़ाते रहो वेट को। क्यों? क्योंकि गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, सो यू कैन लिफ्ट मोर हैवी वेट्स एंड यू कैन लिफ्ट मोर रेपिटेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 किलो उठाते थे, कल जाके 50 किलो उठाने की कोशिश करोगे, ऐसा भी नहीं। आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से प्रोग्रेस करना है, 1 step at a time। 10 किलो आप उठा रहे थे तो 12 पे पहुंचो, 12 से 15 पे पहुंचो, 15 से 20 पे पहुंचो, धीरे धीरे बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि 10 उठाते थे तो आज 20 उठा लूंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप्स लेना आपको, बिग स्टेप्स। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि रेपिटेशन कब बढ़ाना है और वेट कब बढ़ाना है? इफ यू एबल टू डू 10 to 12 रेपिटेशन विद अ सर्टेन वेट, तो ही आप फिर वेट बढ़ाओगे। अगर आप 10 किलो से सिर्फ 8 रेपिटेशन कर पा रहे हो तो आप वेट नहीं उठाओगे, वेट नहीं बढ़ाओगे, आप 10 या 12 करने की कोशिश करोगे। जब आपके 10 या 12 हो पा रहा है तब फिर आप 12 किलो पे जाओगे, उससे आपका 9 हो रहा है, आप वही वेट उठाओगे नेक्स्ट टाइम। जब तक आप 12 रेपिटेशन तक आप नहीं पहुंचे, 12 रेपिटेशन पे पहुंच गए, अब आप 15 किलो उठाओ, तो पहले आप रेपिटेशन रेंज फुलफिल करोगे, फिर आप वेट्स बनाओगे, ठीक है। सो दिस वॉज द टॉपिक फॉर टूडे, आई होप इट इज क्लियर गाइज, अंडरस्टूड, पूरी तरह से समझ गया, तो यस लिख दो, थम्स अप दे दो। नाउ वी आर अबाउट टू साइन ऑफ। सो हाउ टू गेट रिड ऑफ डार्क सर्कल्स, शीना जी, डार्क सर्कल्स के लिए आपकी स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, लेट नाइट तक का नहीं रखना है आपको, बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने देना है। सेकेंडली, आपकी जो स्किन सेल्स होती है आंखों के पास की, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप थोड़े से नेचुरल रेमेडीज ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कुकुम्बर रखना, या फिर आप थोड़ा हल्दी लगा सकते हो वहां पे, या फिर आप विटामिन सी लगा सकते हो वहां पे, राइट, विटामिन ई लगा सकते हो,
जिससे कि आपकी स्किन अच्छी होगी, स्किन का ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो बढ़ता है विटामिन ई से, तो वो भी आप लगा सकते हो। तो होम रेमेडीज आप ट्राई करो, अच्छे से सोइए, अच्छे से खाने पीने पे ध्यान दीजिए और एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपकी बॉडी की जो डेड सेल्स होती हैं, डेड स्किन होती है, वो रिजुवेनेट हो और नए सेल्स और नए स्किन सेल्स वहां पे ग्रो हो और एज अ रिजल्ट आपके डार्क सर्कल्स चले जाए। ठीक है, गुड मॉर्निंग, आई एम गुड, ग्लैड टू नो दैट डोमिनेट। पवन कुमार मिश्रा जी हेलो, ज्योत्सना जी हाई, गुड मॉर्निंग, can you do a 1 week series of gym exercises for okay so very soon I am planning to do a dumbbell series jahan pe jo log gym nahi ja pate hain to wo log ghar mein dumbbells ke sath ya fir gym ja bhi pate hain to dumbbells ke sath aap kaise full body ko train kar sakte ho ye series meri bahut hi jald aane wali hai gym mein ja ke proper exercise jo hai wo it is in the pipeline I would say ki wo bahut hi jald hone wala hai but no exact date or no exact plan for that but we are working towards it jo ki bahut jaldi hone wala hai so thank you for the suggestions Jyotsna ji thank you so much तो चलो गाइस साइन ऑफ करते हैं बट बिफोर वी गो आपको बता दूं अभी 11 बजे कोच आरुषि जी की क्लास होने वाली है वो एक कुकिंग करने वाले हैं उनका टॉपिक है हेल्दी स्प्रेड यानी कि रोस्टेड बेल पेपर हमस बनाने वाले हैं वो सो उनकी क्लास जरूर देखिए और खुद भी आप वो बनाकर आप उसको खा सकते हो हेल्दी ऑप्शन है ये राइट सो मैं आपको मिलूंगा आज शाम में 6 बजे विद अनदर क्लास वर्कआउट क्लास होगा अजहर भाई के साथ डेमोन्स्ट्रेशन सो स्कॉट्स वेरिएशन पार्ट 2 सो डू जॉइन मी फॉर दैट एंड अभी जैसे ही ये क्लास एंड होगी आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटर्न फीडबैक देने का सो आप रेटिंग दे दो रेटिंग करके सबमिट मत कर दो रेटिंग करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहेगा छोटा सा उसमें टाइप करो व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास एंड एनी सजेशंस एनी टॉपिक जैसे कि आपने बताया कि वेट ट्रेनिंग वाला करना है जिम वर्कआउट ऐसे कुछ और सजेशन है तो वो भी आप भेज सकते हो ठीक है तो चलो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ सी यू इन द इवनिंग एट 6 PM टिल देन हैव अ ग्रेट एनर्जेटिक आफ्टरनून एंड बी द फोर्स।